एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर। समझिए इस क्वेश्चन को, एक बिल्डिंग है, सपोज दिस इज अ बिल्डिंग और इस बिल्डिंग का हाइट है 20 मीटर और इस बिल्डिंग के ऊपर टावर लगाया हुआ है, क्लियर है, और एक पॉइंट जमीन पे कहीं लिया, इस पॉइंट से इस टावर के बेस को, तो टावर देखो यहां पे लगा हुआ, तो ये रहा टावर का बेस, टावर का बॉस, और ये रहा टावर का क्लियर, ये एंगल बना रहा है कितना 45 डिग्री, क्लियर, और जो टावर के टॉप को देख रहा है यहां पर ये वाला एंगल बना रहा है 60 डिग्री, क्लियर है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मींस आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है। लेवलिंग कर देते हैं, ए बी सी एंड, क्लियर है। सबसे पहले ध्यान से देखो, अगर हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल डी सी बी लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल डी सी बी अगर डायग्राम को सेपरेट कर देते हैं तो ये रहा हमारा डी, ये रहा सी और ये रहा बी। ये बिल्डिंग का हाइट कितना 20, इट मींस ये हाइट कितना हो गया और ये एंगल कितना 45। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन देता हो, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन देता है 10, तो क्या लिखेंगे 10 45 इज इक्वल परपेंडिकुलर कितना 20 अपॉन में बेस क्या है डीसी, 1045 की वैल्यू 1 होती है, 20 अपॉन में डीसी इधर आ गया तो डीसी की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। इट मींस जिस पॉइंट से देख रहा है ये पॉइंट इस टावर से कितने मीटर की दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर, क्लियर। अब हम लोग ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, पूरा ये कंप्लीट ट्रायंगल लेते हैं, क्लियर है। अगर हम इस कंप्लीट ट्रायंगल को लेते हैं, ये वैल्यू तो हमको पता चल गया है कितना है 20, तो यहां मैंने पुट कर दिया 20, दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट ए, और ये एंगल कितना दे 60 डिग्री। हमको ये निकालना है एसी का वैल्यू, फिर से 10 का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या यूज करेंगे, पहले लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी, फॉर्मूला यूज करेंगे 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है एसी और बेस कितना यूज करेंगे 20, क्लियर, और 1060 की वैल्यू हो जाती है √3 इज इक्वल टू एसी अपॉन में 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एसी की वैल्यू हो जाएगी 20 रूट। पर क्वेश्चन हमसे एसी नहीं पूछा है, क्वेश्चन में बस आपसे हाइट ऑफ द टावर पूछा, मिस ये पार्ट। अब ध्यान से देखो, ये पूरा हाइट हमारा आया है कितना 23, कितना 23, और ये नीचे वाला ये हो गया पूरा हाइट आया हमारा 23, लेकिन क्वेश्चन में आपसे सिर्फ हाइट ऑफ द टावर पूछा, तो क्या करोगे, इस पूरे हाइट में से इस हाइट को सब्सट्रैक्ट कर दोगे, तो हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा, यहां लिखते हैं √3 − 20 कर देंगे, क्लियर है। यहां तो आप कॉमन भी ले सकते हो, यह हो जाएगा 20 इन ब्रैकेट √3 − 1, अगर √3 की वैल्यू पुट करने के लिए कुछ कहा है क्या, चेक करिए, तो आपका आंसर जाएगा 20 इन ब्रैकेट √3 − 1 मीटर, दिस इज द आंसर, क्लियर।